तो यहाँ पे ये ऐसे आपको लिखना है। तो ये अब आपको क्या करना है कि जो 2x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x माइनस 3 को कंपेयर करवा देना है a ओवर में x माइनस 2 से प्लस b ओवर में x माइनस 3 से। इकट्ठा ऐसे हम इनका ले लेंगे, हर बार हमें ऐसे ही करना है। इधर आ जाएगा x माइनस 3, इधर यू का ऊपर से 2x प्लस 3 आ जाएगा, इसके नीचे ये x माइनस 2 है तो ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, ए x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। इकट्ठा एलसीएम लिया तो एलसीएम छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए x माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस 3a और प्लस का बी एक्स माइनस का 2 भी आ जाएगा। इधर आपके पास 2x प्लस 3 है। अब हमें a b की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ से कंपेयर कर लो। माइनस का 3a कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी माइनस का 3a माइनस का 2b इक्वल हो जाएगा 3 के। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन देखिए, मैं अलग पेन से आपको दिखा रहा हूँ। ए एक्स और बी एक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 2x के। 2x इक्वल हो जाएगा आपका a, इसमें बाहर ले लो, सॉरी x बाहर ले लो, a प्लस बी इंटू एक्स के, x x कैंसिल, यानी 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के। अब दो आपके पास इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको सोल्व करके a b की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे रख देना। जो भी वैल्यू आएगी फिर इनका अलग अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेना, ठीक है, वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करना इस अप्रोच से, दो तीन क्वेश्चन हम कंप्लीट भी करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए ए बी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी रहेगी पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्केयर। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आप सॉल्व करोगे आपके जो पहले फॉर्मूले हैं आपके तो डायरेक्ट आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आप खोल लेना, ठीक है, एक्स प्लस 2 की पावर से खुल जाएगा।
आगे तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ये आपको बताना ज़रूरी, तो ऐसे सोलेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी थ्री। देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी ये कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो वो कैसे खुलेगा, ए ओवर में तीन टर्म आ गए ना ए बी सी, तो एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर में एक्स माइनस बी और प्लस सी ओवर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस सी, और हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, वो ये जो आपको पास दिया गया है इसके इक्वल पुट कर देंगे बस, और एलसीएम ले लेंगे नीचे, बाकी कंपेरिजन करके जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था ऐसे ही हम कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, अब वहाँ से कर लेना। और यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप में अगर दिया है तो उसको कैसे खोलेंगे, सेम है, इसको खोलेंगे ए ओवर में एक्स माइनस ए। अब की बार ध्यान देना कि यहाँ पे स्केयर है, तो पहले वाला तो ऐसे ही खुलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्केयरिंग प्लस सी ओवर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस बी, बस इसके अकुल पुट कर देंगे, कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका, देखिए जैसे आपके पास बुक का जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी बुक के ले रहा हूँ, ध्यान रखना और वो इम्पोर्टेंट हैं, आए गए हैं पीछे। एक एग्जांपल है जो पीछे पूछा गया था, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई दे रखा है एक्स माइनस 1 का स्केयर और एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन था, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। वही है, पहले क्या करेंगे 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का स्केयर एक्स प्लस 1 किसके इक्वल पुट कर देंगे, ए ओवर में एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 का स्केयर प्लस सी ओवर में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, बस इकट्ठा एलसीएम ले लेना, इकट्ठा एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्केयर और एक्स प्लस 1, ये तो यूं का यूं आ जाएगा 3x प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा, b के इंटू में क्या आएगा x प्लस 1 और c के इंटू में क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 का स्केयर। अब ध्यान रखना है जैसे मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपके पास दिया गया a इंटू एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्केयर माइनस 1 है, तो ये खुल जाएगा a एक्स स्केयर हो जाएगा माइनस a, ऐसे b के इंटू में एक्स क्या था ये हो जाएगा बी एक्स प्लस बी हो जाएगा, जब इसको खोलोगे तो इसको हमने खोल दिया, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका सी एक्स स्केयर प्लस सी माइनस का 2cx। अब कंपेरिजन कैसे करेंगे, इन सभी के इक्वल में आपका क्या है 3x प्लस 5 है, तो जिसके साथ में एक्स स्केयर है, जैसे ये एक्स स्केयर है, यहाँ भी ये सी एक्स स्केयर है, अलग पेन से नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे प्लस में है, ध्यान रखना ये टर्म में प्लस में है सारी, ये टर्म और ये टर्म, और ये इक्वल है सारी इसके, तो आपको पता है कि ए एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे सी एक्स स्केयर, दो ही टर्म है एक्स स्केयर की, एक्स स्केयर की टर्म राइट साइड में तो है ही नहीं, तो जीरो इक्वल पुट हो जाएगी, यानी इसका मतलब ए प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, एक ही क्वेश्चन तो ये बन गया, ऐसी क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं। आज जैसे ये कांस्टेंट है ए बी, माइनस का ए प्लस का बी, और कांस्टेंट कौन सा है सी, जो अकेले हैं, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएंगे फिर, फाइव के, फाइव भी कांस्टेंट है। दूसरा अब ले लो आप टर्म, मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ, अब टर्म ले लो आप जो जिनके साथ में एक्स है, इसके साथ में एक्स है और इसके साथ में एक्स है, तो यानी बी एक्स माइनस टू सी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा थ्री एक्स के, एक्स कॉमन लोगे इनमें से तो बी माइनस टू सी किसके इक्वल हो जाएगा थ्री के, बस ये इक्वेशन आपकी, एक तो ये इक्वेशन आई थी, दो एक ही इक्वेशन आ गई तीन, इन तीनों से सॉल्व कर लो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी, ध्यान रखना जो भी वैल्यू जाएगी इसमें रख देना और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, आपके पास जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं इनको सोल्व करने के, ऐसे आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है इसमें, वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार आया हुआ है,
तो चलिए अगर इस टाइप में, अगर ये लास्ट टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है, पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और साथ में यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो ऐसे इक्वेशन दी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए ओवर में जो ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है वो तो इसके नीचे आ जाएगी ए के, और यहाँ बी आएगा, तो यहाँ बी के साथ में ध्यान रखना बी एक्स प्लस सी लिखना है, और डिवाइडेड बाई जो नीचे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसके नीचे आएगी, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके नीचे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है वह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 2019 के सेट में आया था CBSE के, और NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद ऐसा लिखा हुआ है इसमें, दिल्ली के पेपर था 2016 का, उसमें भी आया था, और जो आपका पेपर था 2016 का OD पेपर था, उड़ीसा में जो CBSE ने लिया था उसमें भी आया था, और 2015 में भी आया था। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको सबसे पहले पूछाना है, देखना है, आपको पहचानना है कौन सी टाइप है। देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये टाइप है, और नीचे भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो टाइप आपकी 5 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 को पहले लिख लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो एक टाइप बता रहा है इसने, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे खुलेगा ये, ए ओवर में एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर में क्या आ जाएगा, जो क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, पूरे का इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे बचेगा ए इंटू में, डायरेक्ट कर दूँ मैं, चलो एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी के इंटू में क्या आएगा आपका, एक्स प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स के एलसीएम तो छोड़ सकते हैं, इकट्ठा एलसीएम लिया है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये अंदर चला जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2b, ऐसे ही सी एक्स और प्लस का 2c, बस आपको पहचानना है। अब सबसे पहले देखिए, रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक्स स्क्वायर की टर्म में है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म में है, तो क्या हो जाएगा इनका, यानी इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से, तो ये आपका एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के, ये तो आ गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन आ गई है। दूसरी देखिए, ग्रीन कलर से मैं ले रहा हूँ, एक्स की टर्म है इस साइड, तो एक्स की टर्म कहाँ कहाँ है, ये ए की टर्म है, तो यानी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सी एक्स के, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1, ये आपका इक्वेशन 2 होगी, काम आएगी ये। और देख लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट और देख लो, ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ए, 2b और 2c, यानी 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस का 2c, ठीक है, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 2 कॉमन आ गया, बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ से आप इसको अलग भी कर सकते हो, और वैल्यू देखो कैसे निकालोगे आप, सी की वैल्यू दी गई है आपको, ए प्लस बी की भी दी गई है, यहाँ पे देखिए आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इसको 3 मानो, इसी को मानो 3, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 2b, और सी की वैल्यू कितनी, 1, तो 2 हो जाएगा। जब उस साइड लेके जाएंगे तो ए प्लस 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस 1 आ जाएगी, जो इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4। और इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो यहाँ पे आप माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा फिर? माइनस का बी किसके इक्वल आ गया? टू के। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस टू। ठीक बात है, बी की वैल्यू माइनस टू हो गई, और बी की वैल्यू माइनस टू यहाँ रख दो इक्वेशन वन में, ए माइनस का टू वन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों थ्री। ठीक है, ए की वैल्यू थ्री होगी, बी की वैल्यू माइनस टू होगी, माइनस टू ही होगी ना बी की वैल्यू, मुझे गड़बड़ कर रही है, कोई ना आप चेक कर लेना। देखो ये आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी वन आ चुकी है, तो या आप देखोगे तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ए ओवर में एक्स प्लस टू था, तो ए की वैल्यू कितनी है? थ्री, थ्री ओवर में एक्स प्लस टू, अलग अलग कर दो भी, इंटू डी एक्स, माइनस का बी है ये, तो डी टू बाई, यहाँ वैल्यू रखी जाएगी पूरी टू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का टू एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का ही रहेगा, माइनस का टू एक्स, सी की वैल्यू वन है, डिवाइडेड बाई क्या था इसके, एक्स केयर प्लस वन था, एक्स केयर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपका आंसर देगा, और ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पे थ्री, नीचे क्या है, वन बाई एक्स प्लस टू है, तो क्या हो जाएगा ये, लॉग एक्स प्लस टू, और एक्स का वन होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस सी वन इसका कांस्टेंट, इसको सॉल्व किया मैंने, इसका कांस्टेंट सी वन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। देखा है सॉल्व होगा ये, क्या करेंगे हम इसको, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस का टू एक्स प्लस वन ओवर में एक्स केयर प्लस वन, इसको लिख सकते हैं माइनस का टू एक्स ओवर में एक्स केयर प्लस वन अलग हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस वन के ओवर में एक्स केयर प्लस वन इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, एक्स केयर का ऊपर वो दे रखा है इंटीग्रेशन, माइनस तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स केयर प्लस वन ये हो जाएगा। इसके कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ सी टू, जब इसको खोलूँगा तो ये आपको पता ही है एक्स केयर प्लस ए स्केयर है। एक्स केयर प्लस ए स्केयर कैसे खुलता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, तो ये खुलता आपका वन बाई ए, ए क्या है इसमें, वन है भाई, वन बाई एक्स केयर प्लस ए स्केयर कैसे खुलता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए होता है, और वन बाई ए यहाँ आएगा, ये याद रख लो आप सारे, तो वन बाई ए करेंगे तो वन ही आना है, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स आई, एक्स ही आ जाएगा बस। इसको कांस्टेंट को सी थ्री मान लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला थ्री लॉग एक्स प्लस टू, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स केयर प्लस वन, कांस्टेंट को हटा रहा हूँ, प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स, और प्लस कांस्टेंट सी वन सी टू सी थ्री को एक अकेला कांस्टेंट लिख देता हूँ कैपिटल सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है, अगर आपको ए बी सी की वैल्यू अपने अच्छे से निकाल ली आगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, आपको तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू आपको अच्छे से निकालनी है ध्यान से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।